बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा विधानसभा में लगाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी को लेकर राजधानी जयपुर के महारानी कॉलेज के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अधिकार मोर्चा की मुहिम के समर्थन में छात्राओं ने यह हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान अभियान की संयोजक खुशी पालीवाल ने बताया कि अंबेडकर संविधान निर्माता है, उसी की बदौलत महिलाओं को भी अधिकार मिले, ऐसे में बाबा साहेब की प्रतिमा विधानसभा में लगाई जानी चाहिए। आज यहाँ पे हमने एक हस्ताक्षर अभियान रखा है अधिकार मोर्चा के समर्थन में। अधिकार मोर्चा के मुखिया रोशन मंडोतिया जी के द्वारा यह शुरू किया गया था भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को राजस्थान विधानसभा में स्थापित करने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, स्पेशली महिलाओं के लिए। जिस समाज में महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई है वहाँ पे इन्होंने महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया है, तो हम इतना तो उनके लिए कर ही सकते हैं। और अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आगे और भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी ये मुहिम बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर है, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत प्रोत्साहन किया था, महिलाओं को उन्होंने बढ़ावा दिया था। हमारा यही है कि हम इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जाएंगे। विधानसभा के अंदर हम बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर हमारी आगे की मांग विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी से रहेगी। इसके बाद हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मिलेंगे, उसके बाद हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे। इस मुहिम को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज हम जो महिलाएं आजाद है वो सब इनका ही योगदान रहा है। हम महिलाओं को लेकर इस मुहिम को आगे तक बढ़ाएंगे और बढ़ाते रहेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। बाबा साहब जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, दलितों को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और आज बाबा साहब को केवल राजस्थान जयपुर या भारत में ही नहीं विदेशों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक में उनकी प्रतिमा है। तो एक विधानसभा कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ उनकी प्रतिमा लगाई जाए वहाँ लगाई जाएगी और हम लगवा कर ही रहेंगे। यहाँ नहीं लगवाई जाएगी तो हम आगे से आगे जहाँ जितना हमसे हो पाएगा वहाँ तक हम करेंगे, उनकी प्रतिमा जरूर स्थापित करवा।